तो फिर रजिया सुल्तान के कास्ट को हम एक बार फिर से जिंदा करते हैं और हमारे साथ है पंखुड़ी। और पंखुड़ी क्या कहना चाहिए? ओह माय गॉड, यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। अरे थैंक यू सो मच, एंड वी ओनली मेट यस्टरडे एंड इट्स अ सरप्राइज टू सी यू हियर आल्सो, एंड वेरी एक्साइटेड फॉर द इंडियन टेली अवार्ड्स बिकॉज दिस बीइंग माय फर्स्ट अवार्ड फंक्शन एंड आई हैव बीन नॉमिनेटेड, सो द फन इज डबल। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको तो मैं सच बताऊं ऑन स्क्रीन नाम तो प्रोनाउंस ही नहीं कर पाता हूं। मैं तो बस इनके लिए आया हूं और मैं चाहता हूं कि हम जब साथ में जाएं तो हम तीन लोग हों, एक ये, एक हम और एक जिसके लिए हम आए हैं। तो आई होप कि हम जीत कर ही जाएंगे और यहाँ तक पहुँचे हैं, इतना प्यार मिला है तो खुशी हुई है और इस खुशी को डबल एक मौका मिले बस उसका इंतज़ार है। सिंस यू आर प्लेइंग द्रौपदी का कैरेक्टर, कैसे आना जाना हो गया? मतलब कल ही तो मिले थे, वहीं रुकी हुई थी, आज जल्दी? नो, आई मेड इट अ पॉइंट बिकॉज द्रौपदी इज वेरी रीसेंट एंड आई मेड इट अ पॉइंट टू टेल देम दैट आई हैव टू अटेंड दिस बिकॉज यू नो आई टोल्ड यू इट्स माय फर्स्ट वर्ल्ड फंक्शन, सो आई एम एक्साइटेड। So which is why? अच्छा, which of the part ज्वेलरी एंड ड्रेस में कौन सा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है आज? मेरी ड्रेस में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं पहना, ना ही रजिया है और ना ही द्रौपदी। आई kept it very simple, very me. Okay, I don't like too much jewelry. Very simple pearls because I love them and pearls here again. So yeah, that's about it. See, my hands are vacant. Everything's simple. और जाते-जाते रजिया एंड द्रौपदी दोनों के फैंस को क्या कहना चाहेंगे? रजिया के फैंस को बहुत बहुत थैंक यू फॉर यू नो हैविंग एक्सेप्टेड मी एंड हैविंग लव्ड मी ऑल द लव दैट आई हैव गॉटन। आई वांट यू टू शावर द सेम एज फॉर द्रौपदी आल्सो। आई विल वर्क वेरी हार्ड टू प्लीज ऑल ऑफ यू वंस अगेन एंड दैट्स अबाउट इट। थैंक यू। मैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि आपका प्यार है जो हम यहाँ पर हैं, ऐसे ही प्यार आप द्रौपदी को भी देते रहें और ऐसे ही प्यार बहुत जल्द मैं आपके सामने आने वाला हूँ, मुझे भी दें। और थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर शो। कैमरा पर्सन परेश के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, चली मसाला।